दादरानगर हवेली में विद्यार्थिनी पर वाइस प्रिंसिपाल और शिक्षक द्वारा दुष्कर्म गुजारवानी घटना ना विरोध में भाजप द्वारा पुलिस वड़ा ने आवेदन पत्र आपी आरोपियों ने कड़क में कड़क सजा करवानी मांगणी करी हती। भाजपना प्रदेश प्रमुख दीपेश टंडेल सहित प्रतिनिधि मंडले पुलिस वड़ा ने आवेदन पत्र आपी गुरु शिष्य संबंधों ने कलंक लगवाती आ घटना ने वखोड़ी काढ़ी बलात्कारी वाइस प्रिंसिपाल और शिक्षक ने कड़क में कड़क सजा थाय तेवी कार्यवाही करवानी मांगणी करी हती। आज जो हमारे प्रदेश में जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना घटी है और उस घटना के लिए हम निंदा करते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सबने मिल करके आज एसपी साहब को आवेदन पत्र दिया है और जिस ऐसी कास्ट की बेटी के साथ जो घटना घटी है वो निंदनीय है और इस घटना को हम एसपी साहब से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इसका जो भी विक्टिम है उसको अरेस्ट किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए जो भी इन्वॉल्व है और भविष्य में हमारे प्रदेश में ऐसा जिन्होंने हरकत नहीं बने तो यही हमने गुजारिश की है और भारतीय जनता पार्टी आज ऐसी कास्ट के साथ साथ में खड़ी हुई है। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप भाई मायावती, मैं एससी मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ। काम कर रहा हूँ तो जैसा आपको पता है कि केस रजिस्टर हो गया है, हम लोगों ने मेडिकल करा लिया तब के तभी सीआरपीसी 164 का जो स्टेटमेंट वो भी हमने ये सारी चीजें हमने टाई अप करके ताकि विक्टिम और उसके फैमिली वालों को परेशानी ना हो ये हमने टाइम से करा के केस रजिस्टर करके आगे इन्वेस्टिगेशन करके दो लोगों की अरेस्ट हो। अगर कोई भी आदमी जैसे और अगर इसमें मान लो मिलता है कि इस एक्ट में शामिल था उसको बख्शा नहीं है, लीगल एक्शन उसके बाद में तगड़ा होगा, कोई उसमें डाउट ही नहीं। रही बात कि किसी और के साथ ना हो, ये ऑलरेडी हमने इस पर एक प्लान किया है, अभी मैंने कलेक्टर मैडम से भी बात करी तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम बाकी स्कूल्स को भी जो है वो कवर करेंगे, अवेयर करेंगे, पर अगर इस तरह की कोई बात हो रही है किसी के साथ तो वो चीज़ भी जो है वो हम लोग इस पर पहले तो अवेयरनेस फैलाएंगे, फिर हमारे को रिपोर्ट होता है तो एक्शन। तीसरी बात आपने बताई कि इस तरह की कोई और एक्टिविटीज चल रही होंगी जो एक्यूज पकड़े गए हैं वो कहीं और कर रहे होंगे, उस पर भी हम लोग जो है वो टेक्निकल तरीके से भी जो इनके मोबाइल हैं उनकी सीवीआर और बाकी तरीके से जांच कर रहे हैं। और इस वाले केस को जैसे आपने बताया कि फास्ट ट्रैक से करो जी, तो ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ पे भी जो है वो मैं मेरी पूरी टीम हम सब लोग सीनियर ऑफिसर्स बाकी सबसे बात हुई, कलेक्टर मैडम से बात हुई, तो हम सब लोग जो है वो इसको लेके बहुत ही मतलब खुद सेंसिटिव हैं हम लोग इस पर कि आगे इस तरह की चीज़ ना हो और ये पर्टिकुलर केस जो फास्ट ट्रैक पे चले जाए तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत ही जल्दी होगी और टेक्निकल और अच्छे सबूतों के साथ में जो है वो हम कोशिश करेंगे कि जो अच्छा न्याय है तो वो मतलब पुलिस की तरफ से एटलीस्ट हम जो कार्रवाई करें वो हो और फर्दर जो बढ़िया से बढ़िया बेस्ट से बेस्ट जो न्याय हम दिला सकते हैं वो जरूर दिलाएंगे। ये एक जघन्य अपराध है, सेवानियत है, मनुष्यत है, ये दुष्कर्म है और शैक्षणिक संस्था में होना हमारी गरीब अनुसूचित जाति की हमारी बेटी के साथ ये हुआ, इसका हमें बड़ा दुख है और भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ी शब्द खड़े शब्दों के अंदर हम उसकी निंदा करते हैं और हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूरी जो हमारी सिरवासा की टीम है हमने जाके यहाँ पर एसपी साहब से मुलाकात की और जैसे इन्होंने बताया हमने ये सुनिश्चित करने को उन्हें भी कहा है, हमने उनसे अनुरोध किया है कि जो भी अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। 3 तारीख तक उन्हें अगर रिमांड दिया गया तो 3 तारीख के अंदर जो माइकल नाम का जो वाइस प्रिंसिपल है स्कूल का और उसके साथ जो नेस्टर नाम का जो टीचर है उनके साथ और कौन व्यक्ति मिले हुए वो भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल में अगर इतने महीनों से ऐसा दुष्कर्म हमारी बेटियों के साथ होता आया हो तो ऐसे दूसरे भी विक्टिम हो सकते हैं, उसके लिए काउंसिलिंग करके अन्य हमारी बेटियों से भी उसका पूछताछ करने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा हो, पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करे, प्रशासन हमारे ऑनरेबल जो हमारी न्यायालय है उन्हें भी सिफारिश करे कि इसकी जो न्याय प्रक्रिया है उसमें तेजी लाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाए और इसी के साथ साथ ऐसी जो स्कूल है ऐसी स्कूल में जहां हमारी गरीब जो आदिवासी बेटियां पढ़ती है यहाँ पर अनुसूचित जाति की बेटियां पढ़ती है उन बेटियों के साथ ऐसा दुष्कर्म ना हो इसलिए ऐसी स्कूलों का जो लाइसेंस दिया गया है वो भी रद्द करना चाहिए और बाकी भी जितनी भी यहाँ पर स्कूल है उन स्कूलों को भी वहां पर जांच के दायरे में लेके सभी के अंदर ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ में मैं सभी अभिभावकों से
सभी हमारे आदिवासी जो हमारी बेटी बेटियों के जो जो माँ बाप है उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसी स्कूल में अपने बच्चों को अपनी बेटियों को एडमिशन ना दिलाए जहाँ पर ऐसा दुष्कर्म होता रहो। हमें शिक्षा के नाम पर प्रलोभन देकर हमें स्कूल में दाखिला देने के लिए कई सारी बातें होती है और आज इसी का परिणाम है कि हमारी एक गरीब अनुसूचित जाति की हमारी बेटी के साथ ये दुष्कर्म हो गया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी आज पूरा सिलवासा पूरा दादरा नगर हवेली आज उनके साथ खड़ा है और जैसे कि हमने बताया कि शनिवार के रोज एक पीसफुल कैंडल मार्च का भी हम आयोजन कर रहे हैं। यह हम मैसेज देना चाहते हैं सभी लोगों से जो ऐसा दुष्कर्म करने का सोचते वो दादरा नगर हवेली और दमन दीव में कभी नहीं चलेगा। भारत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आगे चल रहा है, वहां पर बेटियों के साथ अन्याय नहीं हो सकता। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गंभीरता के साथ आज आवेदन पत्र हमारे एसपी साहब को दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तेजी से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने केस रजिस्टर किया आरोपी को पकड़ा है उनका रिमांड लिया है हम बिल्कुल ये उनसे सुनिश्चित करना चाहते हैं आगे भी कि कड़ी से कड़ी सजा उन्हें भी मिले और उनको जिन्होंने भी हेल्प किए। भारतीय जनता पार्टी ने आज पुलिस प्रशासन को एक महिला बेटी से और दुष्कर्म के बाबत में आवेदन पत्र दिया है और भारतीय जनता पार्टी जो दुष्कर्म का कार्य हुआ है उस घटना की पूर्ण रूप से निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश के जिला के सभी पदाधिकारियों के साथ जाकर पुलिस प्रशासन से निवेदन किया है कि आप जो दोषी लोग हैं जो लोग ये शैक्षणिक संस्था चला रहे हैं ऐसे शैक्षणिक संस्था के संचालक उनके टीचर उनकी डिटेल में जांच की जाए, जांच करके इमीडिएट उसके ऊपर कार्यवाही की जाए और ये लोग और कितनी संस्थाओं में इस तरह सम्मिलित है उसकी भी जाँच किया जाए और जितनी बेटियां ऐसी स्कूलों में पढ़ती है वो सभी बेटियों की जो सुरक्षा है उसके ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए और पुलिस प्रशासन ने भी हमें वादा किया है कि हम बहुत ही गति से ये कार्य कर रहे हैं और उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि उनको 3 तारीख तक का रिमांड मिल चुका है, दोषियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है और पुलिस प्रशासन आने वाले दिनों में कोर्ट में भी ये केस गति से चले और हमारी दादरा नगर हवेली की जो अनुसूचित जाति की महिला है बेटी है उसे न्याय मिले उसने फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी रचना करेंगे और हमने प्रशासन से ऐसा भी निवेदन किया है कि जैसी भी जितने भी ऐसी संस्था है ये सभी संस्थाओं को सरकार के हस्तक ले लेना चाहिए और सरकार को पूरी जाँच करके अपने संचालित ये सभी स्कूलें चलानी चाहिए। और क्या कार्यक्रम होगा इसके संदर्भ में आने वाले दिनों में? भारतीय जनता पार्टी अपने महिला मोर्चा के माध्यम से युवा मोर्चा के माध्यम से इस जिले के पदाधिकारी के माध्यम से आने वाली 3 तारीख यानी शनिवार के रोज शाम को 7 बजे एक कैंडल मार्च निकालेगी और इस घटना का पूर्ण रूप से जाहिर में विरोध प्रदर्शन करेगी और ये कैंडल मार्च झंडा चौक से होकर शहीद चौक से होकर किलौड़ी नाका से होते हुए झंडा तक चले जाएगा।